इस वीडियो में हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले टाइप करेंगे CIOINS गूगल पे, ये वेबसाइट आएगी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ओपन कर लेते हैं, क्लोज। रजिस्टर कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे अपना, एक OTP आएगा। सबमिट। इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है या इंश्योरेंस ब्रोकर के खिलाफ? हमें कंपनी के अगेंस्ट करनी है। मैं अपना नाम यहाँ पे, रिलेशन विद इंश्योर्ड, अगर आपका आपके खुद के नाम से इंश्योरेंस है तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे, अगर किसी और का है तो अदर्स। हम इसमें सेल्फ पे करेंगे, खुद का है, खुद के नाम से सम इंश्योर्ड है, खुद का ही क्लेम था। मेल आईडी डालेंगे, फोन नंबर हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बाकी फिर भी एक बार यहाँ पे भी लिख देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, जो कि हम पहले ही कर चुके थे एड्रेस, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ही शो कर रहा है। और ये पिन कोड डाल दिया, सेव एंड कंटिन्यू। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इसमें लिखा है कि 1 साल के अंदर जब हमने इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस सेल पे हमने कंप्लेंट रजिस्टर की है, हमने जिस दिन कंप्लेंट किया उसके 1 महीने बाद, कंपनी के रिप्लाई पे डिपेंड नहीं है। अगर मान लीजिए हमने 1 जनवरी को कंप्लेंट की है, चाहे रिप्लाई कंपनी का 15 दिन बाद या 2-4 दिन बाद ही आ गया हो, हम 1 फरवरी के दिन इस पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, 1 महीने के बाद जिस दिन हमने ग्रीवेंस पे कंप्लेंट की थी। तो हाँ, और 1 फरवरी से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 जनवरी, यानी पूरे 1 साल का हमारे पास टाइम होता है, हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं सुनाई सुनवाई होगी। अपना पॉलिसी नंबर फिल करेंगे, हमारा क्लेम कितना है वो अमाउंट इसमें डालेंगे, किस डेट को आप एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में वो डेट आपको डालनी होगी, ब्रीफ डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट। ओम्बड्समैन सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमें कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, न्यू दिल्ली का है तो दिल्ली का हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको बहुत ब्रीफ में कंप्लेंट लिखनी है, बहुत छोटे पोर्शन में, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि छोटा सा ही आ सकता है, इसमें ज़्यादा हम वर्ड्स नहीं लिख सकते, इसमें वर्ड लिमिट लगी हुई है। तो बेसिक बेसिक कुछ 6-7 लाइन्स आप लिख दीजिएगा अपनी कंप्लेंट की, अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होगी तो वहाँ से आपको आपसे मांग ली जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस सेल पे हमने ईमेल के थ्रू कंप्लेंट की थी 16 दिसंबर 2021 को, तो हम वो डेट इस पे डाल देंगे। अगर आपको डेट याद नहीं है तो जैसे भी आपने ईमेल पे होगी तो ईमेल पे आप देख सकते हैं आपने किस टाइम कंप्लेंट की थी, तो वो डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आइडिया से थोड़ा सा डाल सकते हैं, यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत चल जाएगी, इतना दिक्कत नहीं है। तो 16 दिसंबर 2021 इस पे डाल देंगे। सेलेक्ट कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जैसे इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं जो अपलोड करने पड़ेंगे, जो स्टार्टिंग के 2 हैं जिन पे स्टार बना हुआ है, ये मैंडेटरी है, और बाकी सब ऑप्शनल है, जो जो आपके पास हो अपलोड कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या करना है। कॉपी ऑफ कंप्लेंट सबमिटेड, जैसे हमने ऑनलाइन ईमेल के थ्रू कंप्लेंट की थी कंपनी ICICI के ग्रीवेंस रिड्रेसल पे, तो हम ईमेल, इस ईमेल की कन्वर्जेशन जो है उसको हमने PDF में सेव कर लिया है, वो PDF हम इसमें अटैच कर देंगे। KYC, कोई भी आधार पैन वगैरह, कोई भी आईडी प्रूफ लगा दीजिए। लेटर, जब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो एक रिजेक्शन लेटर आपके पास भेजती है, तो वो रिजेक्शन लेटर इसमें अटैच करना पड़ेगा, PDF या JPG कुछ भी हो सकता है, वो आप इसमें अटैच कर दीजिएगा। नहीं है तो कंपनी के कस्टमर केयर के पास या आपकी ईमेल आईडी पे आया होगा, या कस्टमर केयर से फ़ोन करके आप मांग सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपकी होगी वो अपलोड करनी पड़ेगी, इसमें अटैच कर देना, और कोई अदर डॉक्यूमेंट हो तो वो इसमें अटैच कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट 1 से ज़्यादा हैं तो आप एक PDF बना लीजिए सबके मर्ज करके, 3-4 डॉक्यूमेंट्स की, वो इसमें अपलोड कर दीजिए। हमने इसमें सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब सेव करते ही हमारी सारी डिटेल्स आपको ये शो करने लग जाएगा, हमने क्या क्या सबमिट किया है, उसके अंदर से अगर आपको कुछ भी एडिट करना हो तो आप कर सकते हैं। अब इसको सबमिट करेंगे हम, इसमें एक डिक्लेरेशन ये टिक करना है, टिक करके सबमिट का बटन दबाएंगे। OTP आएगा फोन पे, जो नंबर स्टार्टिंग में दिया था। सबमिट करेंगे, अभी कंप्लेंट हमारी सबमिट हो गई है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये व्यू डाउनलोड। अब हमें चेक करना हो कि हमारी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक कंप्लेंट, इस पर क्लिक करेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे जिससे कंप्लेंट रजिस्टर की है, ओटीपी आएगा एक, सबमिट, कंप्लेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके। अभी इसमें स्टेटस आ रहा पूरा कि अभी कंप्लेंट कहाँ तक है, कंप्लेंट सबमिशन आज की डेट और कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। जब भी इसमें लिखा जाएगा कंसेंट फॉर मीडिएशन, तो यानी हमारी इसमें डेट लिखा जाएगी, हो सकता है हमारे पास फोन आए, कुछ लेटर आए, इसमें लिखा जाएगा कंसेंट मिल गया है, और फिर एक हियरिंग शेड्यूल की जाएगी जिसमें आपको यानी जिसके नाम पर इंश्योरेंस है वो, और इंश्योरेंस कंपनी से किसी पर्सन को ओम्बड्समैन अपने सामने बिठाएगा दोनों को, और दोनों के बीच में मीडिएशन के थ्रू इस क्लेम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर वहाँ क्लेम रिजॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर वहाँ भी क्लेम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर हमें कंज्यूमर कोर्ट का ही एक रास्ता बचता है, फिर वहीं जाना पड़ता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, जैसे जैसे जो कुछ होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा आगे कैसे प्रोसीड हो रहा है। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे, जब भी हो सकेगा, जैसे भी हो सकेगा, जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।